बॉलीवुड में ये टीवी एक्ट्रेसेस हुई बुरी तरह फेल, जाने इसकी वजह। वो टीवी एक्ट्रेसेस जिन्होंने बॉलीवुड स्टार्स बनने का सपना देखा लेकिन वो इसमें जरा भी सफल नहीं हो पाई। आइए जानते हैं आखिर इन बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के असफलता के पीछे क्या है असली सच जिसके कारण इन्हें बॉलीवुड में असफलता ही हाथ लगी। अंकित लोखंडे, इस लिस्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं अंकिता लोखंडे के बारे में। अंकिता लोखंडे ने टेलीविजन में तो काफी अच्छा नाम कमाया लेकिन जब वो फिल्म की दुनिया में आई तो वो इतना सफल नहीं हो पाई। इसके पीछे उनका कहना है कि उनका बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था जिस वजह से अंकिता लोखंडे आज जो फिल्म में नहीं चल पाए। लेकिन उनको बता दें कि सिर्फ गॉडफादर होना ही जरूरी नहीं है क्योंकि उनके खास दोस्त सुशांत सिंह राजपूत को उन्हें एक बार जरूर याद करना चाहिए क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने भी टीवी से अपना करियर शुरू किया था और वो फिल्मों में भी काफी सफल अभिनेता के रूप में उभरे थे और उन्होंने फैंस के दिलों में भी एक अच्छी जगह बनाई थी। लेकिन अंकिता लोखंडे इन सब में उनसे काफी पीछे रहे। आपको बता दें कि अंकिता लोखंडे को एकता कपूर के सीरियल कहानी घर घर की से काफी पहचान मिली थी और इसमें उन्होंने काफी लंबे समय तक काम भी किया था लेकिन वो उस मुकाम को नहीं छू पाए जो उन्हें चाहिए था। उन्होंने फिल्मों में भी अपना डेब्यू किया और मणिकर्णिका और बागी 2 जैसी फिल्मों में अपना डेब्यू किया लेकिन वो ज्यादा सफल नहीं हो पाई और फिल्मों से बाहर हो गई। हिना खान, इस लिस्ट में अगला नाम आता है हिना खान का। हिना खान को आज काफी लोग जानते हैं और उनके फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी है लेकिन उसके बावजूद भी आज इन्हें बॉलीवुड में वो मुकाम नहीं मिल पाया जो कि इन्हें आज टीवी में मिला है। आपको बता दें कि हिना खान को सबसे ज्यादा लोग अक्षरा के नाम से जानते हैं। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अक्षरा की भूमिका निभाई थी जिसकी वजह से इन्हें घर घर में एक अच्छी पहचान मिली है। हिना खान ने टेलीविजन की दुनिया में काफी कुछ किया है और उन्होंने जो कुछ भी किया है वो काफी कमाल का था और उसके बाद इन्होंने भी अपना मन बॉलीवुड में आने का बना लिया था और जब हिना ने बॉलीवुड में मौका मिला तो ये ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पाई। साल 2020 में हिना खान ने बॉलीवुड में हैग्ड मूवी में काम किया था लेकिन उनका ये किरदार काफी बोरिंग लगा और उनकी ये फिल्म भी ज्यादा सफल नहीं हो पाई और इसे सबसे बकवास फिल्म भी करार दे दिया गया। इन्होंने अब तक कई सीरियल्स में काम किया है और अधिकतर उनके सीरियल सफल भी रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने ये रिश्ता क्या कहलाता है मैं अक्षरा का किरदार निभाया था लोगों को काफी पसंद आया था। उसके बाद इन्होंने सीरियल कसौटी में भी एक नेगेटिव रोल किया था। उनके इस किरदार को भी लोगों ने काफी पसंद किया था और उनकी एक्टिंग को काफी सराहा गया था। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के शो बिग बॉस में एंट्री ली थी और हिना खान ने यहाँ पर अपना दमदार कैरेक्टर दिखाया था। बिग बॉस में हिना खान को सबसे ज्यादा पसंद किया गया था और उनके फैन फॉलोइंग भी काफी बढ़ती हुई दिखी थी। इस सीजन में हिना खान विनर नहीं रही थी लेकिन ये शो के आखिरी तक पहुंची थी और इनका कैरेक्टर काफी दमदार नजर आया था। हिना खान का नाम आज भी बिग बॉस में लिया जाता है और उनके कैरेक्टर की दाद दी जाती है। हंसिका मोटवानी, हमारे इस लिस्ट में अगला नाम है हंसिका मोटवानी का जिन्हें आप सभी ने चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर काफी पसंद किया है। इस एक्ट्रेस ने बचपन से काफी पॉपुलैरिटी पाई है। आपको बता दें कि इन्होंने कई विज्ञापनों में भी काम किया है। सबसे पहले इन्हें पहचान चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शो शकला का बूम बूम से मिली थी जिसमें इन्होंने क्यूट बच्ची का किरदार निभाया था। इस सीरियल में सोना का किरदार निभाते हुए इन्हें देखा गया था। बच्चों पर यह सीरियल आधारित था और ये काफी पॉपुलर भी हुआ था। इसके बाद उन्होंने 2004 में हम कौन है फिल्म में बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस भी उन्हें देखा गया था। इसके बाद ऋतिक रोशन की फिल्म कोई मिल गया में भी हंसिका मोटवानी ने चाइल्ड एक्ट्रेस के रूप में काम किया। इसके बाद उन्होंने टीवी से थोड़ा ब्रेक लिया और उसके बाद वो 3 साल के बाद जबरदस्त फिल्मों में वापसी करते हुए दिखाई गईं, जहां पर उन्हें देखकर सभी लोग काफी हैरान रह गए थे। आपको बता दें कि उन्होंने 2007 में हिमेश रेशमिया के साथ फिल्म 13 सुरूर में बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया और इसमें वो अपने से 18 साल बड़े हिमेश रेशमिया के साथ रोमांस करते हुए नजर आई थी। इसके पहले वो साउथ की फिल्मों में भी डेब्यू कर चुकी थी। हालांकि बॉलीवुड में ये उनकी पहली फिल्म थी। 13 सुरूर में उनकी उम्र महज 16 साल थी और हिमेश रेशमिया उस समय 34 साल के थे। इस फिल्म के लिए हिमेश और हंसिका को बेस्ट डेब्यू अवार्ड भी मिला था लेकिन ये फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसके बाद उन्होंने हार नहीं मानी और कई फिल्मों में काम किया लेकिन बॉलीवुड में उनकी ज्यादा फिल्में नहीं चल पाई। हालांकि वो इस समय साउथ की सुपरस्टार हैं और उन्हें तेलुगु, मलयालम और तमिल भाषा में कई हिट फिल्में भी दी गई हैं। लेकिन बॉलीवुड में जो वो पहचान बनाना चाहती थी वो उन्हें आज तक नहीं मिल पाई है। करिश्मा तन्ना, अब हम बात करते हैं 39 वर्षीय करिश्मा तन्ना की जो की उम्र में भी काफी बड़ी दिखाई देती है। इन्होंने अपनी उम्र की शुरुआत मॉडलिंग के तौर पर की थी लेकिन इन्हें बड़ा ब्रेक टेलीविजन से मिला जब उन्होंने सास भी कभी बहू सीरियल किया था। इस सीरियल को करने के बाद करिश्मा तन्ना की पहचान हर घर में बन गई थी। इसके साथ ही उन्हें आज टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन हिना ने भी बॉलीवुड में आने की काफी कोशिश की है। आज ये एक शो का 1 से 1.5 लाख रुपए भी चार्ज करती हैं। लेकिन इतना कमाने के बाद भी और इतनी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद भी करिश्मा तन्ना ने बॉलीवुड में एंट्री की। उसके बाद उन्होंने संजू, ग्रैंड मस्ती, सूरज पर मंगल भारी जैसी फिल्मों में भी काम किया है लेकिन यहाँ पर उनकी किस्मत ने ज्यादा साथ नहीं दिया। उन्होंने रणबीर कपूर जैसे स्टार के साथ भी काम किया है लेकिन उन्हें यहाँ पर ज्यादा सफलता नहीं मिली। इसके साथ ही वो बिग बॉस में भी काम कर चुकी हैं जहां पर वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर रही और उन्हें काफी पसंद भी किया गया था। इन सब के बाद भी फिल्मों में वो सफलता हासिल नहीं कर पाई जो उन्हें टीवी पर मिली हुई है। प्राची देसाई, इस लिस्ट में हमारा अगला नाम आता है टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस प्राची देसाई का जो की आज कमाई के मामले में भी काफी आगे है। आज इनके नेटवर्थ की बात की जाए तो 72 करोड़ के आसपास है लेकिन उसके बावजूद भी इनका मन नहीं भरा और इन्होंने भी बॉलीवुड में एंट्री की है लेकिन आज के समय में वो ना तो ज्यादा फिल्मों में दिखाई देती है और न ही टीवी पर। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत में 17 साल की उम्र में की थी। उन्होंने एकता कपूर के शो
कसम से मैं इन्हें काम दिया था। ये शो प्राची देसाई का डेब्यू सीरियल था। उसके बाद से ये टीवी का एक जाना माना चेहरा बन गई और उन्हें कई टीवी शोज में देखा गया। उन्होंने बॉलीवुड में अजय देवगन की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, बोल बच्चन, एक विलन जैसी सुपरहिट फिल्मों में बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया। लेकिन प्राची की किस्मत इतने बड़े स्टार के साथ काम करने के बाद भी बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई और कुछ समय बाद में बॉलीवुड से ही बाहर हो गई। अनीता हसनंदनी इस लिस्ट में आखिरी टीवी एक्ट्रेस है। अनीता हसनंदनी जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, लेकिन उन्होंने उसके बाद कई टीवी सीरियल्स में काम किया। उन्होंने सबसे पहले हरे कांच की चूड़ियां शो को, जो कि 1998 में आई थी, उसमें काम किया। उससे अपने करियर की शुरुआत की। उसके बाद उन्होंने कई शोज में काम किया। अनीता हसनंदनी को सबसे ज्यादा पहचान 2001 में आई टीवी धारावाहिक कभी सौतन कभी सहेली से मिला था, जिसमें उन्होंने तनुश्री का किरदार निभाया था। यह किरदार काफी पसंद किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कॉमेडी नाइट्स का जादू और कोड रेड जैसे टीवी शो में भी होस्ट किए। इन सबके बाद अनीता हसनंदनी ने फिल्मों में आने का अपना मन बनाया और उन्होंने 2003 की थ्रिलर फिल्म कुछ तो है के साथ हिंदी फिल्म की शुरुआत की। उसके बाद वो वर्ष 2008 में खतरों के खिलाड़ी के पहले सीजन में भी दिखाई गई थी, लेकिन उनका बॉलीवुड का सफर ज्यादा कुछ खास नहीं रहा। उन्होंने ये दिल, हीरो, बिन्नी और बबलू जैसी फिल्में की हैं, लेकिन वो ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इसके साथ ही उन्होंने वर्ष 2014 में पंजाबी फिल्म करियर की भी शुरुआत की थी, जहां पर वो ज्यादा सफल नहीं रही। इस तरह से बॉलीवुड में ज्यादा सफल नहीं रह पाई और सिर्फ टीवी तक ही सीमित रह गई। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।